स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम जांजगीर के छात्र छात्राएं शैक्षणिक भ्रमण में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराड़ी खेती में नवाचार देखकर गदगद नजर आए छात्र छात्राएं और शिक्षक। बहराड़ी गांव में स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में शैक्षणिक भ्रमण के लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम जांजगीर के छात्र छात्राएं पहुंचे और देश के पहले किसान स्कूल में खेती के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार को देखकर छात्र छात्राएं और शिक्षक काफी खुश हुए। छात्र छात्राओं ने 2 घंटे से अधिक वक्त तक किसान स्कूल में भ्रमण किया और यहां शुरू की गई खेती संबंधी अलग अलग गतिविधि की जानकारी ली। वरिष्ठ पत्रकार कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल बहराड़ी के संचालक दीनदयाल यादव ने छात्र छात्राओं को गौमूत्र से नीम सार यानी जैविक कीटनाशक बनाने के संबंध में जानकारी दी। फिर गोबर गैस के बारे में बताया गया। यहां छात्र छात्राओं को जैविक खाद की महत्ता और खेती में आज जैविक खाद की आवश्यकता के साथ ही किसान स्कूल में ऑस्ट्रेलियन केचुआ से खाद बनाने के सिस्टम से अवगत कराया गया। साथ ही अक्षय चक्र कृषि मॉडल मंजिल दर मंजिल खेती के बारे में बताया गया। किसान स्कूल में खास तरीके से संरक्षित छत्तीसगढ़ की 36 भाजी के बारे में छात्र छात्राओं को विस्तार से बताया गया कि छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों में पौष्टिकता और औषधि गुणों से भरी होती है। इस दौरान 36 भाजी के बारे में जानकारी मिलने पर छात्र छात्राएं बेहद खुश हुई। 36 भाजी के बीजों का डेमो भी बताया गया। इसी तरह गमलों के माध्यम से छत पर बागवानी 9 तरह की मिर्ची की वैरायटी देखकर छात्र छात्राएं अचंभित हो गए। किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव ने छात्र छात्राओं को बीजों के संरक्षण गौशाला के साथ ही पुरानी कृषि सामग्री और अन्य पुरानी वस्तु से बनाए गए संग्रहालय की भी जानकारी दी, जिससे जानकर छात्र छात्राओं ने खूब तारीफ की। यहां छात्र छात्राओं को केले भिंडी अमारी भाजी के रेशे से बने कपड़े के बारे में बताया गया, जिसे किसान स्कूल से जुड़े किसानों महिलाओं ने बनाया है। इस मौके पर शिक्षक एवं एनसीसी अधिकारी दिनेश चतुर्वेदी, शिक्षिका अनुप्रिया यादव, प्रयोगशाला सहायक अमन गोयल के साथ ही छात्र छात्रा सोमेंद्र सिंह राठौर, समीर टोपो, विष्णु कश्यप, आदित्य सिंह राठौर, कौशलेंद्र सिंह, किशोर कुमार लहरे, यथार्थ जायसवाल, यमन गौराहा, प्रियंका देवांगन, माही नेमी, भूमि झलरिया, अरुणिमा सिंह, वैदिही साव, भूमिका सूर्यवंशी, रेणुका जांगड़े, गौरव करवे, मयंक सिंह राठौर, स्नेहिल बंजारा मौजूद थी। 6.5 फीट की धनिया के साथ सेल्फी किसान स्कूल पहुंचे छात्र छात्राओं में तब और उत्साह बढ़ गया जब 6.5 फीट की धनिया दिखाया गया। इसके बाद छात्र छात्राओं में सेल्फी लेने और फोटो खिंचाने की होड़ मच गई। 6.5 फीट की धनिया देखकर छात्र छात्राएं हैरत में पड़ गए। उन्हें बताया गया कि धनिया को राखड़ में जैविक खेती के तहत उगाई गई थी। धरोहर में खुमरी के साथ छात्र छात्राओं का फोटो सेशन। किसान स्कूल में कृषि और घरेलू पुरानी सामग्री को संग्रह किया जा रहा है, जिसे धरोहर नाम दिया गया है। धरोहर में खुमरी के साथ शिक्षकों और छात्र छात्राओं ने फोटो खिंचाई और पुरानी परंपरा सामग्री के साथ खुद को पाकर रोमांचित हो उठे। इस दौरान छात्र छात्राओं में काफी उत्साह दिखा और सभी ने किसान स्कूल के प्रयास की सराहना की। आज किसान स्कूल में आके हमें बहुत अच्छा लगा। वहाँ 36 प्रकार की भाजियाँ देखी, उसमें से कई भाजियाँ ऐसी जिनका नाम हमने कभी सुना भी नहीं था। और हमें कोसा की साड़ी, केले के पत्ते की साड़ी और भिंडी के पेड़ की मतलब कपड़े देखे और बहुत सारी लकड़ियों की चीज़ें बनी हुई देखी, बांस की चीज़ें बनी हुई देखी, अचार देखा अलग अलग प्रकार के, और बहुत अच्छा लगा कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में, हमारे स्टेट के बारे में नई नई चीज़ें देख के। और जो मतलब अभी की जो जनरेशन है वो इतना कुछ जानती नहीं है, बट हम आज हम देख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा कि अब हम मतलब ऐसा कुछ भी होता है। अच्छा लगा, आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। सर, यहाँ आने से पहले हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हम इतनी अनोखी और खूबसूरत चीज़ से मिलने वाले हैं, जिन्हें तो ना तो हम अच्छे तरीके से किताबों में पढ़ रहे हैं, हम ना तो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं और ना ही जान पा रहे हैं। हमें किस बात की खेद भी है, लेकिन हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आपने इस छोटे से गांव में कस्बे में बसे इतनी अनोखी और विचित्र चीज़ों के बारे में हमें बताया, हमें हमारे प्रकृति से मिलन करवाया। हम सभी बच्चों को बहुत बहुत हम सभी बच्चों का आपके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हैं सर।
हमने अपने ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर, रीति रिवाज के बारे में जाना। हमें किताबी ज्ञान के अलावा हमें प्रैक्टिकल ज्ञान भी मिला और हमने बहुत सारी नई चीज़ें जानी और ये भी जाना कि हमारा छत्तीसगढ़ किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और स्वामी आत्मानंद के बच्चों को यहाँ आप सभी ने इनवाइट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। और ये चीज़ तो मैं हमेशा अपनी पूरी ज़िंदगी भर ये याद रखने वाला हूँ। और मैं सच में एग्रीकल्चरल फील्ड की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ कि ये फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है। हम सिर्फ गिने चुने कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स पे और बिजनेस पे या फिर जॉब में हम सिमटे रह चुके हैं, लेकिन हमें इस सिमटी हुई चीज़ें में हमें दब के नहीं रहना है। हमें अपने आप को जानना है, अपने इलाके को, अपनी प्रकृति को, हमारी धरोहर को, हमारी गाय माताओं को। हमें जैविक खेती है, जैविक खाद, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना बाकी है, जिससे हम एक अल्टरनेटिव चीज़ें हम जनरेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम अपने हेल्थ के प्रति हम अवेयर हो सकते हैं, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उसके खिलाफ़ हमारी सोने से मैं तुलना करूँगा, हमारी जो गौ माता से मिली हमारी जो गोबर है वो सोने से कम नहीं है। इसीलिए भारत की परंपरा पूरे विश्व में सबसे अनोखी है और सबसे बेस्ट है, मतलब क्या बोला जाए उसके लिए, सबसे अपार है, सबसे ऊँचा है, सिर्फ इसलिए है। हमारी मिट्टी ही हमारी सोना है, भले ही अंग्रेज़ों ने कुछ भी किया हो, लेकिन आज भी हमारा देश बढ़ रहा है और बढ़ते रहेगा। यहाँ के सबसे पहले बहुत खुशी मिली हमको, यहाँ नई नई चीज़ हमको देखने को मिला, मतलब अपने जो खेती से जुड़े हुए नई नई चीज़ और नई नई जो कपड़े हम बना सकते हैं खेती के माध्यम से, केला से जो बनाए हैं और कुछ कुछ के जो बहुत अच्छा लगा। और छत्तीसगढ़ जो 36 भाजियाँ हैं जिसके बारे में आज तक हम लोग जानते भी नहीं थे, उसके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। और नरवा घुरवा बाड़ी जो अभी CM सर चला रहे हैं वो सुन के बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग यहाँ देख पाए वो सब चीज़ को, तो अच्छा लगा। और शहर में ये सब हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, तो मैं सिद्धेश को बहुत मतलब करता हूँ कि ऐसा मतलब करते रहें और हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आने में। हाँ, विद्यालय में ज़रूर बताएंगे। और जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से जो होता है उसे भी प्रचार करने की पूरी कोशिश करेंगे आगे। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट दिस वेरी ब्यूटीफुल एरिया दैट इज लाइक एग्रीकल्चर एक्सप्लोरेशन, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सप्लोर सच थिंग्स इन द सिटी बिकॉज देर आर सो मेनी ऑफ द लेस थिंग्स इन द सिटी एंड we don't even have imagined that agriculture can be this much of vast and this much of interesting. So it's quite a good exploration for us and it's a very beautiful like a picnic because we have got to surround with the agriculture, with the nature, our mother nature. We have got many of the things from the mother nature and we have learned many things that we can even experience and we can also use it in future also for our agriculture fields and we can try some new plants according to them, as taking basis to them. And I'm really, really happy that we got the opportunity. Thank you. जी, ये हमारे स्कूल के लिए सेजस क्रमांक एक जांजगीर के लिए शैक्षणिक भ्रमण था और इसमें हमको हम शिक्षक के साथ साथ बच्चों को भी जमीन जंगल से जुड़ने का मौका मिला, अपनी धरोहर को जानने का मौका मिला, वातावरण को समझने का अवसर मिला। और मैं यादव जी और उनके प्रबंधन का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा कराया और हमारे बच्चों को इस एग्रीकल्चर के बारे में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय क्रमांक एक जहांगीर के जीव विज्ञान के विद्यार्थियों के द्वारा ग्राम बहराडी के किसान स्कूल का भ्रमण किया गया। यह एक शैक्षणिक भ्रमण है जहाँ विद्यार्थियों ने प्रयोजना के साथ अपना प्रैक्टिकल भी किया, बहुत सी बातें उन्होंने पहली बार सीखी और जानी। न सिर्फ 36 प्रकार की भाजियों की चर्चा मैं करूँगा बल्कि जो हमारी परंपरा से जुड़ी हुई जो हमारे धरोहर हैं उन चीज़ों को देखने के साथ साथ उससे जुड़ने का भी एक प्रयास मैं कहूँगा ये इस भ्रमण का एक पहल है, अनुकरणीय पहल इसको मैं मान सकता हूँ। दीनदयाल यादव जी पूरी निष्ठा के साथ इस स्कूल को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो हमारे लिया के साहू जी हैं उनका भी प्रयास अनुकरणीय है, तुलनीय है, हमेशा इस विद्यालय के प्रचार में लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इस विद्यालय में आकर, इस स्कूल में आकर के लोगों को भ्रमण करना चाहिए
ताकि वो सिर्फ जैविक खेती के बारे में नहीं बल्कि उसके साथ साथ अपने जमीन अपनी माटी से कैसे जुड़ना है इसकी भी प्रेरणा ले सकें। जल जंगल जमीन हमारे सिद्धांत में रहा है, इससे जुड़े रहना चाहते हैं तो एक बार इस विद्यालय का भ्रमण हमको जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रेरणादायी ये हमारा भ्रमण रहा है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा, यहाँ के संचालक पूरे परिवार को बधाई दूंगा और उम्मीद भी रखूंगा इसको आगे बढ़ाने में आप प्रयासरत हैं और लोगों से आग्रह भी करूंगा कि यहाँ न सिर्फ आप भ्रमण करें बल्कि अगर कोई चीज़ें हैं आपको इसमें ऐड करनी है जोड़नी है तो वो ही बताते जाएँ ताकि इस विद्यालय को और हम ऊँचाइयों पर ले सकें ऊँचे मुकाम पर पहुँचा सकें। धन्यवाद। जो किसान स्कूल बहराडी है वहाँ का हम लोग का जो अनुभव है काफ़ी अच्छा रहा। किसान स्कूल के पूरे प्रबंधन का हम लोग तहे दिल से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें सौभाग्य प्राप्त किया कि हम अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों को देख पाए। यहाँ हमने छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के बारे में जाना जो शायद किसी को पता नहीं होगा, और भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैविक खाद से क्या क्या फ़ायदे हैं वो जानने को मिले, जिससे बच्चों का है जो नॉलेज काफ़ी बढ़ा है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी और हम लोग यहाँ विज़िट करते रहें। बहुत ही सराहनीय प्रयास है बहुत ही, और इसको पूरे देश दुनिया तक ज़रूर पहुँचना चाहिए। यहाँ पर आज स्वामी आत्मानंद विद्यालय जांजगीर अंग्रेजी माध्यम के पूरे स्टाफ ने यहाँ पर अपने स्कूली बच्चों को यहाँ पर भ्रमण कराया है, और हमारा वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू किसान स्कूल बहराडी में उन्होंने आकर इतना गदगद हुए कि बहुत चीज़ों को तो उन्होंने पहले बार देखा। एक तो हमारे जो पुरानी परंपरा में जो खत्म हो गई है उन विलुप्त सालों पहले उस चीज़ को अलग अलग राज्यों के हमारे किसानों ने यहाँ पर संजो के रखा है, उस धरोहर को देखकर बहुत प्रभावित हुए। दूसरा छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों को देखकर, और तीसरा 5 फीट 6 फीट का धनिया का पेड़ के उन्होंने बंच गुच्छा को जैविक पद्धति से जो देखा तो उनके मन में ये हुआ कि हम भी जैविक पद्धति से अपने परिवार के लिए सबके घर में छत के ऊपर में भी बगिया देखें, तो ये प्रभावित हुए कि किचन गार्डन हम सब लगा सकते हैं वो भी जैविक पद्धति अपने परिवार के लिए। और हमारा जो किसान स्कूल का जो अभी जो अभियान चल रहा है हमारे ज़िले में ब्लॉक में राज्य में जैविक खेती अभियान, इस अभियान की उन्होंने खूब सराहना किया है और उन्होंने मांग किया है कि इस तरीका का कार्यक्रम हमारे विद्यालय में भी रखा जाए, और निश्चित तौर से हम अलग अलग महाविद्यालयों में विद्यालयों में गांव में शहरों में चौपाल लगा के जिस प्रकार से जल जंगल और ज़मीन को बचाने का जिस तरीका से हमारा अभियान है उस अभियान में सारे लोग जुड़ रहे हैं। और आज भी यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर जो आ रहे हैं और उन्होंने अलग अलग यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा है, और सरकार की जो नरवा गरुआ घुरुआ बाड़ी को उन्होंने एक साथ मॉडल में देखा है, और यहाँ पर जो वेस्ट से बेस्ट चीज़ जो चाहे वो केले के राखी हो या अलसी का या हमारे छत्तीसगढ़ के 36 भाजियों का वेस्ट चीज़ों का यहाँ पर राखी भी देखा, कपड़ा भी देखा उन्होंने, पर्स भी देखा, और इस तरीक़े से हमारे किसान स्कूल में आकर खूब प्रभावित हुए हैं। उन्होंने जो आमंत्रित किया है हमारा किसान स्कूल परिवार उनके विद्यालय में जाकर निश्चित तौर से कार्यक्रम के लिए हमने स्वीकृति भी दी है।